इस वक्त मैं सीतामढ़ी जिला के प्रखंड परसौनी स्थित मैलबार पंचायत के धुरबार गांव में हूं। मैं आपको बताता चलूं कि बीती रात लगातार यहां 3 घरों में चोरी हुई है और दूसरी तरफ प्रशासन अपनी व्यवस्था को चौकस बताते हैं, लगातार पेट्रोलिंग होती है, लगातार पुलिस गश्ती कर रही है, फिर भी लगातार चोरी भी हो रही है। अभी कुछ दिन पहले 2 दिन पूर्व कठौर पंचायत में भी चोरी हुई थी। अभी हम धुरवार गांव में हैं जिस घर में चोरी है, घर के दरवाजे पे खड़े हैं। हम घर के अंदर भी चलेंगे और यहां घर वालों से बात करेंगे कि आखिर उनका क्या क्या नुकसान हुआ है, क्या क्या चोरी हुई है, उसकी तस्वीर आप सभी लोगों को दिखाएंगे। और दूसरी तरफ हम दिखाएंगे कि अभी यहाँ इस गाँव में इस मामले को लेकर परसौनी थाना भी आ चुकी है। परसौनी थाना की भी गाड़ी थोड़ा हम दिखला दें आपको, पुलिस भी आ चुकी है। लेकिन अक्सर वारदात होने के बाद पुलिस आती जरूर है लेकिन वारदात करने वालों पे कार्रवाई नहीं होती है। पहले हम इस घर की तस्वीर दिखाएंगे जिस घर में चोरी हुई है। ये घर है, अभी जो है ग्रामीण भी यहाँ इकट्ठा है और प्रशासन के लोग भी आ चुके हैं, पुलिस भी आई। ऐसी वारदात, ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं और प्रशासन चुस्त दुरुस्त होने की बात कर रहे हैं। हम जरा उस तस्वीर दिखाएंगे, ये देख सकते हैं कि चोर किस तरह से जो है सारे सामान को तीतर बीतर कर दिया है। हम यहाँ इस घर के लोगों से बात करेंगे कि उनका क्या क्या नुकसान हुआ है, चोर क्या ले गया है। क्या नाम है आपका? चंद्रमानी देवी। ये कब हुआ है? ये रात को हुआ है। कितने बजे की बात है? वो हम नहीं जाने, नहीं पता है, नहीं पता। क्या सब चोरी हुआ है? चोरी हुआ है, ये पैसा था इसमें, पैसा था। हाँ, कपड़ा उपड़ा कुछ नहीं ले गया। अच्छा अच्छा। पलंग पर के बिछाना तब ने हम पैसा रखे थे 2000, वो भी ले लिया। अच्छा। बीच वाले बेटा को जमीन में से 4000 रुपया ले लिया। ये चोर आया किधर से है, रास्ता किधर से, तोड़ फोड़ गेट वेट कहाँ है? ये इस घर का पीछे का द्वार है, चोर इसी द्वार से अंदर इस घर में आया है, माताजी जैसा कि कह रही हैं। और कितना पैसा ले गया सारा? 6000 रुपया था उसको, 2000 हमको, 4000 जिनका, यही रुपया हम। 12000 रुपया, 12000 रुपया। गहने जेवर कुछ? ना, गहना जेवर नहीं। फिर पुलिस को आपने सूचना दी रात में? जी ना, पुलिस को रात में सूचना नहीं ना, हम लोग जानबे नहीं किए, जानबे नहीं ना। हम तो 7 बजे उठे हैं ना, हमको तबीयत खराब थी, तब 7 बजे उठे हैं तब हम जाने हैं ये बात। तो ये हम अपने परिवार के बात नहीं जाने, हम समझे हैं दूसरे परिवार को। तब ये लोग बोले हैं कि जे आपको घर में भी चोरी हो गया है, तो आए हैं तो गोदरेज टूटा हुआ देखा, सब बिखरा हुआ। चलिए, ये पहला घर है, पहला घर है और दूसरा घर और तीसरा घर भी हम आपको दिखलाएंगे। एक साथ एक रात में 3-3 घरों में चोरी होना बहुत बड़ा सवाल है। अब घटना स्थल पे जो है मैलबार पंचायत के मुखिया, नवनिर्वाचित मुखिया फकीरा महतो भी आए हुए हैं घटना स्थल पे। जरा हम इनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिर प्रशासन के द्वारा जो चाक चौबंद व्यवस्था होने की बात है कहाँ तक सत्य है, और पुलिस पेट्रोलिंग करती है तो आखिर कहाँ करती है, जरा इनसे हम बात कर लेते हैं। जो घटना हुआ है अभी तो रात की बात हुई है घटना, कि हम लोग आए हैं इधर तो माल पता चला है कि दुर्बार में घटना हो गई है, 3 जन चोरी हो गई, इसलिए हम लोग आके देख रहे हैं। किन किन के घर में चोरी हुई है? ये तो पहला घर है। एक तो पारे जी का घर है, कुंदन जी का घर है, एक और रंजय जी के, रंजय मिश्री के घर है। अच्छा। सब चोरी हुआ है, हम लोग देख रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। इस पे जो है क्या कहेंगे पुलिस के, जो है चाक चौबंद व्यवस्था पे क्या कहेंगे, प्रशासन की क्या व्यवस्था है? प्रशासन की तो नाकामयाबी है, जो गांव घर में पहले तो पहरा देता था, अब तो लोग दे नहीं रहा है, अब पता नहीं किस बिल में रहते हैं छुपा हुआ, पता नहीं चल रहा। दूसरा घर है जहाँ यहाँ भी चोरी हुई है, उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखलाएंगे। हम अंदर चल के देखते हैं, जो है दूसरा घर है, एक गाँव में एक रात में लगातार 3-3 घरों में चोरी होना प्रशासन के लिए सवालिया निशान है। ये दूसरा घर है, दूसरे घर की भी तस्वीर हम आपको दिखला दें। और यहाँ चोर क्या लेके चला गया, चोर क्या क्या चुरा के गया है, हम यहाँ घर वालों से बात करेंगे। आप तस्वीर दिखाएंगे कि ये इधर अंदर ले आइए, खिड़की तोड़ के घुस गया है, ये खिड़की उखाड़ के ले गया। ये देख सकते हैं इस घर में खिड़की
इधर की खिड़की लगी है, दो खिड़की है, तीन खिड़की है, तीन खिड़की में से एक खिड़की को ही उखाड़ के ले गया। चोर कितना ज़बरदस्त और कितना निर्भय ढंग से इस तरह से वारदात किया है, ये सवाल है प्रशासन के लिए और यहाँ के व्यवस्था के लिए। इधर देख सकते हैं कि कपड़े को किस तरह से बिखेर दिया है और इस खिड़की को तोड़ दिया है। खिड़की को थोड़ा दिखलाएंगे कैमरा में, क्या क्या नुकसान हुआ है आपका, क्या नाम है आपका? भारती मिश्रा। इधर चला, भारती मिश्रा जी। वही मेरा वही चांदी का सिक्का था, वही 10 सिक्का हो रहा होगा, वही फूल्हा बर्तन उर्तन था और वही कपड़ा उपड़ा सब फेंक उक दिया। हम तो यहाँ रहते नहीं है, जो सामान था वही सब। कब जानकारी मिली है हमको? सुबह 6:30 में जानकारी मिली है और 7:30 में हम घर आए हैं, तब देखे हैं मेरा सामान सब इधर उधर सब बिखेरा हुआ था। इस घर में कोई सोता नहीं है क्या? नहीं, अभी सोते थे लेकिन वो नहीं है, बीमार है तो दिखाने चले गए मुजफ्फरपुर। वो पता कर लिया है जो घर में कोई नहीं है, उधर सास ससुर थे तो वो आगे सोए हुए थे और इस घर में कोई नहीं था, इस घर का अपना उसका समय मिल गया है। आपको किसी पे शक है क्या? नहीं, हमको किसी पे शक नहीं है, तो गांव का ही, लेकिन हम किसी का नाम कैसे रखे। हाँ, मुझे वैसे कोई किसी पर शक नहीं है, लेकिन है तो गांव का ही। चोरों पता लगा करके आया है जो घर में कोई नहीं है, बुरा बुरी है, उसको समय मिल गया है, अपना वो करके तोड़ के ले गया। एक साथ जो है तीन तीन घरों में चोरी होना बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी बात है कि चोर पहले से ही इस घर को, इन तीनों घर को पहले से ही रेकी कर चुका था कि इसमें आदमी रहता है या नहीं रहता है, सामान कहाँ है। ऐसा प्रतीत होता है कि चोर इसी आसपास का है। हम अब तीसरे घर की तस्वीर, एक रात में तीन तीन घरों में एक साथ चोरी हुआ है। ये तीसरे घर पे हैं हम अभी, यहाँ भी परिजन से बात कर लेते हैं, लोगों परिवार से बात करते हैं, घर वालों से बात करेंगे कि इनका सामान भी चोरी हुआ है, क्या क्या चोरी हुआ है, हम इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? रामबाबू पांडे। कब की घटना है ये? माने 12 बजे के बाद जी, जी 1 बजे के अंदर में, इसने 11 बजे तक ले तो हम लोग जगते थे। क्या क्या सामान चोरी हुआ? सामान जो बेटी का जेवर उवर था, जनानी को सो सब ले गया, कपड़ा उपड़ा जो था वो सब ले गया, उठा करके बच्चा। नुकसान हुआ लगभग 4 लाख के? हाँ, बेसी है। आपको किसी पे शक है क्या? आपको किसी पे शक है? किसी पर नहीं। हाँ, आपको किसी पे शक है? हमको किसी पर शक नहीं, काम ना है, प्रशासन ड्यूटी कर ना रहा है इधर उधर। छोटा सा गांव धुरबार है या बस्ती है, तीन तीन वो जो है से हो गया है डकैती। बड़ा बाबू अभी सोए हुए हैं, 9 बजे बड़ा बाबू उठबे करेंगे। कहा कि पेपर जमीन का फिर लेने जाएंगे तो वो वाला पर्स था ना, वाला उसी में था, वो वाला क्या बोलते हैं सोना चांदी, देखो चैन उस सब को पेट में से सामान निकाल ले ना, वही में से वो पर्स निकाल ले, उठाची वही में रहने बड़के में ना, अटैची वो है। क्या क्या सब है टोटल? टोटल जो क्या क्या सामान है, सामान मतलब उसमें है कि जो चांदी का हो गया, सोना का हो गया, चैन हो गया, अंगूठी हो गया, उसके बाद ओ बच्चा का हो गया, बल्ला हो गया, दुर्गा जी हो गया, और उसके बाद वो मम्मी का कान में का है, उसके बाद पैर में के है, मतलब 5 ठोवा थी बोलते हैं ना पायल, और उसके बाद कान में के, नाक में के बिछिया, अंगूठी 4 ठो गायब है, उसके बाद चैन 2 ठो गायब है, और बाकी बाद वो पैर में के तो मतलब अनगिनते गायब है, मतलब उतना गन के नहीं ना रखते है कि क्या है, नहीं कान में के 10-12 ठो था वो गायब है। तो ये जो है कितने बजे की बात है? मतलब 12 बजे से और 1 बजे के बीच, 12 बजे से 1 बजे के बीच में। तो ये सब जो है वो कहाँ मिला है थैला? ये सब पीछे मिला, पीछे भी अभी बिगा है, अभी हम लाए हैं, जाके देख लीजिए पीछे भी ऐसे बिखरा है। पहले जो है बाबा चौकदारी होता था, पहरेदारी होती थी, रात में जो है यानी चौकदार जो है पहरा लगाया करता था कि जागते रहो, जागते रहो। नहीं, अब वह चौकदार कहाँ सो गया है, व्यवस्था कहाँ सो गया है? पूर्व में जो है, पहले के जमाने में, आज से 10 साल पूर्व में जो है, चौकीदार के द्वारा हर गांव में पहरेदारी होती थी और पहरेदारी में चौकीदार चिल्लाया करता था जागते रहो, लेकिन अब चौकीदार भी जो है नहीं है और प्रशासन है लगातार, गाड़ी तो सड़क पे चलती है, किया जाता है, जिसके वजह से लगातार वारदातें बढ़ रही हैं।